भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ वहाँ पे। हमने जो ग्रीन लाइन लगाई है वो ग्रीन लाइन सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जो बसें थी वो नहीं आई बहुत अरसे तक। तो ये तो भाई, और फिर किसने कराची में अमन कायम किया, दहशतगर्दी को खत्म किया? तो हमने अल्लाह के फजल करम से जो कोयला सिंध के अंदर कोयला है पिछले 50 साल से सुन के कान पक गए थे, लेकिन सब कहते ही थे लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहां पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहां से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहां बिजली बन रही है। सिंध के तरक्याती कमन से पीपी एंड नून लीग आमू सामू। अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ तरफा पेंचे दौरे में सिंध में कोयलो कढ़ण समेत तरक्याती कम कराने की दावा। संदस चुना है सिंध के कोयले से 50 साल का बयान दिना व्या। उन कोयलो कढ़ी प्लांट हो बिजली पैदा कई। कराची में दहशतगर्दी कें खत्म कई अमन कें कायम कर सिलेक्टेड हुकूमत का सवाल किया वे तो कराची में तरक्याती कम छो न थे। पानी जो एक मनसूबो भी मुकम्मल न थी सको। कम हु कन वोट वरी कें बे मिलन। कराची और चित्राल वारा बुधायन तो या नाइंसाफी ना है। आरटीएस विहारे जी हुकूमत कायम कई वही एक मोटरवे भी कायम न कर सकी। कराची का हैदराबाद नेशनल हाईवे के मोटरवे बनाया वो संदस नजर में यो मोटरवे ना है। आईने कानून की वाट से हलंदड़न के रस्ते ता हटाया वो है। 12 अक्टूबर 1999 से सुबह जो वजीर आजम हो शाम जो हाईजेकर बनाए पेश कर पुट का 1 लाख रुपया पगार न वन से नाहल कर इकतदार में फारिग कर। पीपल्स पार्टी तरफा नवाज शरीफ सिंध में तरक्याती कम कराने की दावा रद्द। थर में कोयलो 32 साल अग दरियाफ्त थो जैसे 50 साल अग कोयलो मिलो तो लिकायण से नवाज शरीफ कौम ए मुल्क जो दुहारी है। बेनजीर भुट्टो थर के कोयले में बिजली पैदा करने जो मायदो कयो। अमन अमान कायम करने में पुलिस की कुर्बानियों शामिल हैं। नूली के सिंध में उम्मीदवारी न था मिलन ते करे फर्जी गालियों करे सिंध की रिथाउन जो क्रेडिट करने की कोशिश कई पी वे। एसन इकबाल पाण ट्वीट करे तो थर समेत सिंध के रिथाउन से सिंध सरकार की वाखाण कई हुई। अगुण वजीर सैद मुराद अली शाह। ये बलोचिस्तान जिसको पाकिस्तान ने समझा ही नहीं, दोस्तों ने समझा ही नहीं, इस्लामाबाद इसको समझता नहीं है। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलोचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो केपी को नहीं समझता। इंशाल्लाह मैं बलोचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलोचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। फलस्तीन पे मारदार हो रही है, इसराइल कर रहा है, इसराइल खुश नहीं रह सकता, हमेशा ही जंग में रहेगा, हमेशा कोई ना कोई जंग होती रहेगी और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, कौमें तरक्की नहीं करती। हमने अफगानों की 5 साल 10 साल 40 साल उनकी मेहमान नमाजी की है, आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा। अगूणे सदर आसिफ अली सरदारी है तो इस्लामाबाद कदें बलूचिस्तान के पाकिस्तान समझो ही ना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के वो मुल्क बनाए सके तो जंगन जरिए को भी मुल्क तरक्की न तो कर सके। इसराइल फलस्तीन से जुल्म कर रो है पर अगत न बधी सो। 40 साल ती अफगानिन की मेहमान नवाजी कई पर पाकिस्तान के बाहर न समझी रहा है। सियासत संदस जरूरत न पर मजबूरी और शहीदन जो कर्ज है। अगूण वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान सरफराज पुख्ती पीपल्स पार्टी में शामिल। पाकिस्तान में सरप्राइज और हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। उसी बात पंजाब में भी मैं समझता हूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खास तौर पे पंजाब में तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ही नहीं है सियासी मुखालिफ। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज दींदी। पीपल्स पार्टी जो को भी सियासी मुखालिफ ना है। असा महंगाई बेरोजगारी और गुर्बत से मुकाबलो कर रहा हूं। महंगाई और बेरोजगारी आवाम के परेशान कर छो है। इकतदार में अची नौजवान और पौरतन के रिलीफ देने लाय प्रोग्राम शुरू कंदी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी।
मुस्लिम लीग नून तरफा कौमी ए सूबाई असेंबली के समूरन तकन ते उम्मीदवारन के नामजदगी कागज जमा करण की हिदायत। पार्लियामानी बोर्ड टिकटू जारी करण जो कतई फैसलो न करे सघी। एसन इकबाल तो चवण तो सिंध मुस्लिम लीग नून जो अहम हिस्सो है। नवाज शरीफ जो सिंध की तरक्की ए खुशहाली में अहम किरदार है। अगूणे वजीर आजम सिंध की आवाम के अमुन सुकून सखर मुल्तान हैदराबाद मोटरवे तोहफे में दिनों। सिंध में पीपी हुकूमत बावजूद नून लीग मनसूबा दिना। सिंध की आवाम खिदमत जो मौको दिनों तो खेन मायूस न कंदा। जीडीए जयवाय समेत समूर सियासी पार्टी से गाल जारी है। भेरे हुए इतिहाद कर चूंड मैदान में लहंदा। तहरीक इंसाफ पारा कम कर बदरा मुखालफन के रुगो चोर ए धाड़ेल करार दींदा रहा है। इतिहादी हुकूमत दुखिया फैसला कर मुल्क के दिवाले में कढ़ो है। बशीर मेमण जो चवण है नवाज शरीफ सिंध ला जरूरी है। वो जल्द सिंध जो दौरों कर आवाम के पेंचन मनसूबन का आगाह कंदो। मुस्लिम लीग नून हर सुठे कम जो क्रेडिट खण की कोशिश कर रही है। नून लीग अगवाण थकोल बाबत गलत गाल कर रहा है। मुल्की तरक्की लाइ सभी के गर्जी कम करो पव। शाजिया मरी 2013 में चवे तो पंजाब अवा लाइ नोगो एरिया है। मुस्लिम लीग नून क्यादत थर के कोयले से कब्जो कर कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ याद रखे सिंध जो अवाम अवान जो बयान कबूल न कंदो। आजिज दावरा चीफ जस्टिस जी बनी सरीना ईसा परडे रवानगी वक्त तलाशी दिनी। का भी छूट तलब न कई। चीफ जस्टिस वीआईपी लाउंज इस्तेमाल करण का इनकार कयो। हैरत है तो 6 दिन पुरानो खत चीफ जस्टिस संदस घरवारी जी परडे रवानगी वक्त सामू आयो है। सरीना ईसा जी तलाशी जे कैमराउन जरिए तस्दीक करे सकजे थी। सुप्रीम कोर्ट तरफा हवाई अड्डन ते जजन ए संदन घरवारन की जिस्मानी तलाशी बाबत वसा तलब। सुप्रीम कोर्ट आम चूंड में देर जा समूरा रस्ता बंद कर छाया। तकबंदी तब्दील करने बाबत बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो फैसलो कालादम करार। अदालत पेंे फैसले में चाहिए तो चूंड शेड्यूल जारी थे तकबंदी से एतराज न तो कर सके। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटन जो तादाद 12 करोड़ का वधी वो। सिंध में 2,69,94,769 वोट रजिस्टर्ड। इलेक्शन कमीशन आम चूंड लाइ वोटन जा अंग अखर जारी कर छड़ा। पंजाब में 7,32,07,896 वोट। बलोचिस्तान में 53,71,947 वोटर। केपी में 2,19,28,119 वोट रजिस्टर्ड। इलेक्शन कमीशन तरफा तहरीक इंसाफ इंटा पार्टी चूंड रद्द करने बाबत फैसलो महफूज। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर इंटा पार्टी चूंड में पार्टी आइन से अमल न थियण जो एतराफ। संदस चवण गैर मेंबर पार्टी की चूंड के चैलेंज न तो कर सके। अकबर इसबाबर समूरन पार्टी जो इंटा पार्टी चूंड बीहर कराने की दरख्वास्त कई है। बिना मुकाबले अहदेदार की चूंड में वोटिंग की जरूरत ही ना होंगी। लाहौर हाईकोर्ट तरफा तोहनी इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई चेयरमैन जो जेल ट्रायल रोकण की दरख्वास्त रद्द। इलेक्शन कमीशन समेत बेन धुरन के नोटिस जारी जवाब तलब। तहरीक इंसाफ चेयरमैन ए बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस की जेल ट्रायल जो हुक्म। अदालती हुक्मनामे में चयो है तो गैर शरई निकाह केस जो जेल ट्रायल थो खानदान के मानून ए शहर के कार्रवाई दिसण की इजाजत होंगी। नव मई विगोड़न के केस में अहम अग भराई। तहरीक इंसाफ अगवान मुराद सईद हमाद अजहर समेत 18 जणन जहा सुप कार्ड ब्लॉक। पुलिस सूचना है तो जांच में शामिल थियण ताई जवाबदारन जहा सुप कार्ड ब्लॉक रहंदा। दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश थियण का सिवाय कानूनी हक न मिली सकंदो। सिंध के निगरान वडे वजीर मकबूल बाकर कराची लाए घुराय 30 बसों कस्टम में फासण जो नोटिस वरतो। एजी ऑफिस जिम्मेवार करार। संदस चवण है तो सिंध सरकार 1 दिसंबर से बसों ला 1,000 मिलियन जारी कया। कानून तहत ट्रेजरी ऑफिस के ही रकम जारी करण जो इख्तियार है।
बदकिस्मती से हाँ एजी ऑफिस ट्रेजरी की ऑफिस कबूल करने तैयार ना है। अफगान हुकूमत तरफा एक साल दौरान पाबंदी मल टीटीपी जा 35 का 40 दहशतगर्द गिरफ्तार करने की तस्दीक। अफगान घरू वजारत के तर्जुमान जो चवण है तो पाड़ेसरी मुल्कन सा बेहतरीन लागापन की ख्वाहिश है। अफगान धरती कें भी पाड़ेसरी मुल्क खिलाफ इस्तेमाल थे न दिनी वी। गैर कानूनी परेन के वधिक आबाद थियण की इजाजत दई कौमी सलामती से सौदेबाजी न कंदासीं। बिन दहाकन दौरान आइलैंड की आबादी बराबर गैर कानूनी परडे ही पाकिस्तान में आबाद थी चुका है। वही दिल से पनाहगीरन के संभालो मेहमान नवाजी पाकिस्तान की डीएनए में शामिल है। बरतानिया फ्रांस इटली समेत बया मुल्क गैर कानूनी परडे के मसले के मुंह डे रहा है। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में 87 फलस्तीनी शहीद। शहीदन जो अंग मजमू अंग 19,000 का वधी वो। शहीद थियन में 8,000 का वधीक बार शामिल। यहूदी फौज के हमलन में 60,000 का वधीक फलस्तीनी शहरी जख्मी थी चुका। इसराइली फोर्सेस जबालिया पनाहगीरन की कैंप कमाल अदवान अस्पताल उत्तर कजा में घर से हमला कया। हलाल अहमद जहा 5 अहलकार भी शहीद। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में 3 जना दबजी फोत 17 मानू जख्मी गणती जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जोरदार धमाके सबब 3 इमारतों के नुकसान। पुलिस चुना है तो गैस सिलेंडर दुकान में मुंतकिल करने दौरान जोरदार धमाको थियो है। लाड़काने में पुराने तकरार से हथियारबंदन नौजवान के गोलियों हणी कतल कर छो। संदस चाचो मर्निंग डीआईजी मामले को नोटिस वरतो। एसएसपी का रिपोर्ट तलब। शेख बिरकियो में नींगर बदफली का पोए बेदर्दी से कतल। गोठ बजर टालपुर में वहशिन 15 वरन के जुनेद खासगली के बदफली का पोए घुटा दे कतल कर छो। मोरे वेझो जेड़े में जख्मी थियल नौजवान जख्मन जा सूर न सहंदे फोत। साजिद हुसैन जरदारी कराची की खांगी अस्पताल में दमधड़ी हवाले कयो। मार्ची वेलन जो अंग वधी 4 थी वो। मकबूल के वारसन जो एहतजाजी मुजाहरों लाश रखी धरणो ट्रैफिक मुअत्तल। नौशेरे फिरोज भरसा मुड़स पेंची घरवारी के कतल कर छो। गोठ मुबारक डुंगराज में उमेर बाट साबरा के घुटा दई कतल कयो। तंगवाणी में बिन जणन की बासियाबी लाए वारसन पारा एहतजाजी मुजाहरों बस स्टैंड वट धरणो। अगवाणन जो चुना है तो गुलाम रसूल बखराणी ए मंसूर पठान की बाजियाबी में पुलिस कें भी किस्म जा उपाव न वरता है। रुस्तम भरसा बर्फ के कारखाने जो चौकीदार मुबैना तो रखवा। हथियारबंद पीरसन मोहम्मद पना महर के अगवा करे व्या। पुलिस तरफा मौके की बाजियाबी लाए इलाके की नाकाबंदी। मुबारकपुर भरसा जमींदार पुरसार नमूने गुम वारसन पारा अगवा जो शक। गोठ मोहम्मद यूसुफ खोसे मां गुम थियल मोला बख्श खोसे जो पतो न पेजी सको। शिकारपुर में अमन कायम करने लाए सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ धुरन की रैली ए धरणो। अगवाणों जो चुना है तो शिकारपुर में कबायली झड़न सबब मानून की नसल कशी कई पी वे। पुलिस अमन अमान कायम करण में मुकम्मल तौर नाकाम थी चुकी है। नौशेरे फिरोज में बदमनी खिलाफ व्यापारियों दुकानदारों जो एहतजाजी मुजाहरों धरणो। अगवाणों जो चुना है तो हथियारबंद बिन दुकानों में लखें रुपये की चोरी करे व्या। पुलिस की नाहली सबब शहरों दुकानदारों समेत को भी महफूज ना है। सिंध यूनिवर्सिटी के उस्तादन जो केस दाखिल करने खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों धरणो। पेपर मुलतवी। अगवाणों जो चुना है तो सकाफती दिहाड़ो मल्हाण के इल्जाम हेठ बिन उस्तादन से बेतमादी केस दाखिल कियो वियो है। उस्तादन ता केस खत्म करे एसएचओ के मुअत्तल कियो वञे। मलीर के मुख्तलिफ इलाकन में बिजली की लोड शेडिंग खिलाफ शहरन जो एहतजाजी मुजाहरों। के इलेक्ट्रिक की ऑफिस अगया धरणो। शहरन जो चुना है तो के इलेक्ट्रिक इंतजामिया कलाकन जा कलाक बिजली बंद करे जीअण जंजाल करे छो है।
सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में रोड हादसों के नतीजे में 7 जणा फौत तंडे गुलाम हैदर में मुसाफिर वैन ए मोटरसाइकिल में टक्कर सबब 2 जणा फौत वगण वेझो इंडर साहब ते गाड़ी ए मोटरसाइकिल में टक्कर के नतीजे में पुलिस अहलकार फौत 1 जणो जख्मी कौमी क्रिकेट टीम जो ऑलराउंडर शादाब खान जख्मी थे सबब न्यूजीलैंड के दौरे में बाहर।